नमस्कार, मैं सुमन शर्मा, प्रवक्ता कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेसिंग की, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर। फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट ईयर के गारमेंट ड्राफ्टिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट, जिसका कोड है CD125, इसमें कॉलर्स टॉपिक को लेंगे। तो कॉलर्स के अंदर आज हम शर्ट कॉलर की बात करेंगे। शर्ट कॉलर जो है, देखिए, वन पीस भी लगती है और टू पीस भी लगती है। शर्ट कॉलर, ये मैंने स्केच बनाया है, और शर्ट कॉलर बनाने के लिए कॉलर, और जब टू पीस हम बनाते हैं तो कॉलर और उसका स्टैंड मीन्स उसको खड़ा रखना, जो कॉलर को सपोर्ट देता है, कॉलर को खड़ा रखने के लिए सपोर्ट देता है, जो नेक के पास लगता है वो कॉलर स्टैंड कहलाता है, और अपर पार्ट है उसका कॉलर कहलाता है। जब हम टू पीस में करते हैं तो कॉलर अलग करता है और स्टैंड अलग करता है, और शर्ट कॉलर बनाने के लिए दो मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक मेजरमेंट भी लिया जा सकता है, और यदि हमारे पास सिर्फ चेस्ट मेजरमेंट हो तो भी हम उसको नेक मेजरमेंट, और इन दोनों की सहायता से हम इस कॉलर को बना सकते हैं। मैंने जो मेजरमेंट लिया है, ये एक से दो साल के बच्चे का लिया है, जिसके मेजरमेंट है, चेस्ट साइज 51 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने क्या किया, कॉलर की विड्थ ली है, हाइट ली है इसकी, 0 से 1 लिया है, 1/12 चेस्ट, और 0 से 2 या कह दी कि 5 से 3, ये जो साइज लिया है ये नेक का हाफ लिया है। ओनफोल्ड है इसलिए नेक का हाफ है, यदि हम इसको ओपन कर दें तो ये पूरा नेक भी आ जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर मैंने शेप के लिए दिया है, कॉलर की शेप को नेक की शेप में कर्व देने के लिए अपन इसको शेप दे सकते हैं। ऊपर का पार्ट मैंने इसका स्ट्रेट रखा है। इनका ट्रेंड चेंज होता रहता है, फैशन बदलता रहता है, नित नए फैशन की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ये पॉइंट को, जैसे ये इसका जो कॉलर का पॉइंट है, ये इसको तिरछा किया है, और इसको पॉइंटेड दिया जा सकता है, और इसको कर्व में दिया जा सकता है, स्ट्रेट दिया जा सकता है, ये अलग अलग अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग अपन इसको बना सकते हैं। इस तरह से ये कॉलर आ गया और शेप दे दिया। यहाँ पे नेक का हाफ लेकर के हमने 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है शेप के लिए, और कटिंग लाइन लेंगे इसकी, तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, यहाँ से 1 से शुरू किया, 1, 3, 4, 0 यहाँ तक आ जाएंगे, ये अनफोल्ड है इसलिए ये आ जाएगा। तो दो पार्ट काटने और आपको क्रॉस ग्रेन बनानी है और अनफोल्ड देना है। 0 से 1 जितना कॉलर में है, कॉलर स्टैंड में उससे 0.5 सेंटीमीटर कम होगा। रीजन कि कॉलर पे जुड़ने के बाद, जब स्टैंड पे जुड़ जाता है कॉलर, जब टर्न होता है तो उस टर्न होने के अंदर आधा सेंटीमीटर टर्न वैल्यू देता है, और कंप्लीट टर्न होने के बाद दोनों की लेंथ जो है वो सेम हाइट देती है। इसलिए इसको अपन ने 1/12 चेस्ट रखा था, और इसको हम 1/12 चेस्ट में से भी आधा सेंटीमीटर कम कर देंगे। जबकि 0 से 3 यदि हम लेंगे तो जितना कॉलर की साइज है वो प्लस बटन स्टैंड, या कह लीजिए कि नेक का हाफ जो है प्लस बटन स्टैंड अपने को एक्स्ट्रा लेना है। बटन स्टैंड एक्स्ट्रा लेने से कॉलर आपका छोटा नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा इसके अंदर ये छोटे छोटे शेप्स लिए हैं, जो जैसे कॉलर के अंदर जो शेप आ रहा है उस कर्व को कवर करने के लिए अपन ने सबसे पहले लिया है आपका 0 से 3 लिया है नेक का हाफ प्लस 2.5 सेंटीमीटर बटन स्टैंड का लिया, 1 से 2 आपका सेम लिया है 0 से 3, और 1.5 बटन स्टैंड लेने के बाद में अब ये 3 to 5 हाफ सेंटीमीटर, 3 to 6 हाफ सेंटीमीटर, और 2 to 4 भी हाफ सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, को हाफ सेंटीमीटर लिया है, और यदि शेप देनी है तो उसको 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, बट हाफ सेंटीमीटर इज सफिशियंट। कॉलर भी छोटी है, ये लिया जा सकता है, 1-1 सेंटीमीटर काट देने से फिर उसका शेप बिल्कुल ही ना के बराबर रह जाएगा। इस तरह से इसका कटिंग लाइन जो है वो 1, 4, 5, यहाँ ये 7 आ गया, तो 5 नहीं आएगा, 4 के बाद में 7, 7 के बाद सीधा 0 आ जाएगा, तो ये आपका, और जब इसको जोड़ देंगे तो शेप इसका यहाँ जाएगा। ये आ गया टू पीस कॉलर के अंदर इंटरलाइनिंग नहीं लगती है, तो
हम दो पीस कॉलर के कपड़े के काटेंगे तो एक बकरम का भी काटेंगे, तो पेस्टिंग भी लिया जा सकता है। और इसी तरह से कॉलर स्टैंड के अंदर टू पीस कटेंगे फैब्रिक के और वन पीस कटेगा बकरम का। यदि हम इसको वन पीस बनाएं, जब हम कॉलर को स्टैंड से जोड़ देते हैं, जो हमारा आउटर शेप आएगा, ये देखिए आउटर शेप इस तरह से बनेगा। आउटर शेप को एग्जैक्टली हम इस वन पीस में भी काटा जा सकता है। ये कॉलर कब काम में लेते हैं, ये कॉलर हम ज्यादातर बच्चों के गार्मेंट्स पे लेते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा सीम आएगी बच्चों के नेक पे चुभेगी, तो हम टू पीस की बजाय उसको अवॉइड करके वन पीस ली जा सकती है और जल्दी बन जाती है, फटाफट बनती है। इसके अंदर हम इसको इंटरलाइनिंग में बुकरम की बजाय कपड़ा ही लगा लेते हैं, तो बच्चों की गर्दन के लिए सॉफ्ट रहता है, तो उनको चुभता नहीं किसी तरह का। अदरवाइज ये काफी हार्ड भी हो सकता है और टू पीस भी बनाया जा सकता है, लेकिन इजी और अच्छी वन पीस रहती है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि शर्ट कॉलर टू पीस और वन पीस दोनों बनाई जा सकती है, अपनी इच्छा और अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग, गार्मेंट ड्रेस के अकॉर्डिंग हम उसको चूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से शर्ट कॉलर बनाई जा सकती है।